ओके तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अलग से बहुत सारी क्वेरी हमारे पास है, ठीक है। तो कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जितनी भी हमारी चार टाइप की क्वेरी है जिसकी मदद से हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमने पढ़ी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरी है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर चेंजेस करने के लिए या फिर गेट करवाने के लिए, ठीक है। तो वो क्वेरी हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेल के अंदर किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं वापस आपको कमांड बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लेना, और MySQL, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है -h और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, मतलब ये आपका होस्ट हो गया। उसके बाद उसके अंदर जाने के लिए आपको यूजर नेम देना पड़ता है, इसलिए माइनस या -u, और यू मतलब यूजर नेम, और यूजर नेम हमारा है रूट, पासवर्ड इसका कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दे रहे, ठीक है। जैसे मैं एंटर दूंगा तो ये MariaDB नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डेटाबेस हमें बता देगा कि वो सिलेक्ट होके आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी डेटाबेस है वो मुझे देखनी है, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा शो डेटा बेसिस, ठीक है। जैसे मैं एंटर दूंगा तो जितने भी इसके अंदर डेटाबेस होंगे वो मुझे सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर से सिर्फ ई कॉमर्स ये जो डेटाबेस है वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यूज ई कॉमर्स, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी ये ई कॉमर्स नाम की डेटाबेस मेरी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए आपको यहाँ पे देखो नन लिखा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है ई कॉमर्स, मतलब यहाँ पे आपने किसी भी तरीके की डेटाबेस अभी सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही आपने यूज किया ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस, तो वैसे ही उसका नाम MariaDB के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। अब आप किस डेटाबेस के अंदर वो आपको यहाँ से पता चलेगा, ई कॉमर्स के अंदर हो, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर कितनी टेबल है वो देखनी है आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शो टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो टेबल है, प्रोडक्ट और यूजर। तो प्रोडक्ट के अंदर की जो भी फील्ड है वो देखनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे लास्ट में सेमी कॉलन दोगे, तो जैसे एंटर आप जो एंटर दोगे तो उसके अंदर जितनी भी फील्ड होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे पांच फील्ड आपको दिखाई दे रही है, ID, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और सेल प्राइस, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा रिकॉर्ड पड़ा है वो मुझे देखने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट की क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ही सेमी कॉलन करके एंटर दूंगा तो जितना रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा होगा वो मुझे सारा का सारा यहाँ पे दिखाई देगा एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी इंसर्ट की क्वेरी की मदद से डेटा इसके अंदर ऐड होता है, अपडेट की क्वेरी की मदद से किसी भी तरीके की डेटा को, जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर जो भी डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट की मदद से डेटा डिलीट हो सकता है, ठीक है। आप फिर सिलेक्ट भी करवा सकते हो। तो ये सारी क्या होगी कि चार तरीके की टेबल क्वेरी की मदद से आप टेबल के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरी है, जैसे कि मेरे पास अगर बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा तो उसको मुझे पहले एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन लोगों ने हमें एक ऑर्डर बाय नाम का एक कीवर्ड दे दिया है, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे टेबल को एक सही तरीके से लेआउट में रख सकता हूँ, मतलब सही ऑर्डर में मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर आपका होना चाहिए किसी भी कॉलम की नाम के बेस पे, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे ऑटोमेटिकली 3, 4, 5 आ रहा है, मतलब आपको क्या दे रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में वो डेटा दे रहा है। अब मुझे इसका उल्टा करना है, मतलब लास्ट में जो रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो मुझे पहले मिलना चाहिए, ठीक है। तो किसके बेस पे आपको उल्टा करना है, तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए क्वेरी दी गई है सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारा रिकॉर्ड आपको चाहिए, फिर यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नाम प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर बाय, ठीक है, दोनों अलग अलग लिखना है, साथ में नहीं लिखना, ऑर्डर स्पेस बाय, उसके बाद जो भी फील्ड जिस फील्ड के हिसाब से आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है उस फील्ड का नाम है यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे उसे उल्टा करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा DESC, मतलब डिसेंडिंग, पूरा वर्ड आपको यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ पे DESC। जैसे ही आप एंटर दोगे तो देखो डेटा आपको सिलेक्ट करके दे तो रहा है, पर प्रोडक्ट आईडी के बेस पे क्या हो रहा है, पूरा
उल्टा रिकॉर्ड, मतलब लास्ट में जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो रिकॉर्ड आपको पहले दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में था तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वो फर्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो सेकंड रिकॉर्ड था वो तो वहीं पे रहने वाला है, ठीक है, और फर्स्ट रिकॉर्ड था वो क्या बन जाता है, यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से करना है, मतलब प्रोडक्ट आईडी के बेस पे करना है, वैसे जरूरी नहीं आप प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस या प्रोडक्ट सेल प्राइस, तो इस सब के हिसाब से आप अपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हो। तो मैंने अभी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया, तो उसके लिए यहाँ पे क्वेरी मैंने क्या लिखी कि भाई प्रोडक्ट के बाद से यहाँ पे ऑर्डर बाय, और यहाँ पे जिस फील्ड के हिसाब से मुझे उल्टा करना है, ठीक है, उस फील्ड का नाम, और यहाँ पे DESC डिसेंडिंग करोगे तब यहाँ पे आपको लिखना है DESC, और असेंडिंग करोगे तब आपको यहाँ पे लिखना है ASC, ठीक है, तीन ही वर्ड लिखने हैं, तीन ही कैरेक्टर लिखने हैं, और डिसेंडिंग करोगे तब चार कैरेक्टर लिखने। जैसे आप एंटर दोगे तो जैसा डेटा था वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय की क्वेरी थी। अब ऑर्डर बाय के बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट आईडी, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आईडी के नेम नंबर के आधार पर आप असेंडिंग डिसेंडिंग करते हो, आप नेम के आधार पर भी बेस पे भी उसको डिसेंडिंग असेंडिंग कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पे अब प्रोडक्ट नेम के बेस पे डिसेंडिंग करना है या फिर असेंडिंग करना है। तो देखो जैसे मैं एंटर दूंगा तो प्रोडक्ट नेम तो हमने यहाँ पे दे दिया है, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ऑर्डर बाय तो कीवर्ड है वो तो फिक्स रहेगा, और असेंडिंग मतलब ऊपर ऊपर से नीचे तक, मतलब पहले जो वो कैरेक्टर हमें मिलेगा वो पहले आ जाएगा और बाद में उसके बाद का कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक से सही तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे उसी के बेस पर डिसेंडिंग भी करा हूँ, DESC, तो उल्टा दे देगा डेटा मुझे, ठीक है। तो इसके बेस पे नहीं हो रहा है, किसके बेस पे हो रहा है, प्रोडक्ट नेम के बेस पे। उसी तरह आप प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट सेल प्राइस के बेस पे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय की क्वेरी थी, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद हमारे पास अलाइस था। अलाइस का मतलब क्या होता है कि अल्टरनेटिव नेम्स, ठीक है। जब भी हम डेटा सिलेक्ट करते हैं तो मुझे जो भी कॉलम यहाँ पे मिले है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसका नाम मुझे बदलना है कि नहीं बदलना, ठीक है। टेम्पररी बदलने के लिए उसे अल्टरनेटिव मतलब एलाइसिस का यूज किया जाता है, मतलब पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल डेटाबेस के अंदर कौन सी फील्ड है, कौन सी कॉलम का नाम है वो, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे एक एलाइसिस का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, प्रोडक्ट के नाम ही चाहिए, पर मुझे एक फील्ड ऊपर की जो कॉलम नेम है वो मुझे दिखानी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम एज, ठीक है, मैं यहाँ पे पी नेम भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। ये नाम मैंने अपने तरीके से दिया, और बीच में आपको क्या लिखना है एज, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो भी उसकी ओरिजिनल कॉलम का नाम होगा उसे बदल कर क्या कर देगा, पी नेम, मतलब परमानेंटली चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टेम्परेरी। जब आप डेटा ला रहे हो, क्वेरी चला रहे हो, तभी वो चेंज होता है, उसके परमानेंटली डेटाबेस के अंदर कॉलम के नाम के अंदर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जैसे मैं फ्रॉम, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी टेबल में से डेटा मुझे चाहिए उस टेबल का नाम, तो मुझे सिर्फ अब क्या मिलेगा, पी नेम ही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं, मतलब बाकी की जो कॉलम है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे मैं एंटर दूंगा तो देखो, देखा जैसे मैंने एंटर दिया तो प्रोडक्ट का नाम मिला तो सही, पर उसका एक्चुअल कॉलम का नाम मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो उसके जितने भी रिकॉर्ड थे वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड थे वो मुझे मिल रहे हैं, पर उसकी कॉलम का नाम यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे। तो एलआईसी का यूज आप जब भी कॉलम का नाम चेंज करना चाह रहे हो तब आप उसका यूज कर सकते हो, तब उसको यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो एज बीच में क्या लिखना है आपको, एज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था कि काउंट, मतलब मुझे गिनने हैं कि उसके अंदर कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखना है मुझे काउंट, और काउंट के अंदर ब्रैकेट में मुझे यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट आईडी, कोई भी फील्ड का नाम दे दो, मतलब कोई भी कॉलम का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है काउंट, फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल, ठीक है। तो उसकी जो कॉलम का नाम है वो बदल के क्या हो जाएगा,
टोटल हो जाएगा, मतलब काउंट की जगह क्या हो जाएगा आप टोटल, और जितना रिकॉर्ड होगा वो मुझे गिन के देगा, तीन है तो मुझे टोटल के अंदर क्या देगा, तीन देगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम प्रोडक्ट जो भी टेबल में से मुझे चाहिए। जैसे मैं एंटर दूंगा तो देखो मुझे मेरे टेबल के अंदर, मतलब मेरे ये प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है वो टोटल एज अ फील्ड हो जाएगी, और कितने रिकॉर्ड वो मुझे गिन के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो काउंट का यूज किस लिए होता है कि जितने रिकॉर्ड आपके टेबल के अंदर है उसे गिनने के लिए काउंट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि सम, मतलब मेरे पास जो भी ऑर्डर आया है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस है, उन सबको मुझे सम करवाना है एक साथ। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी अगर मेरे पास प्रोडक्ट रहेगी तो मुझे सम करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी इन लोगों ने क्वेरी दे दी है। क्वेरी किस तरीके से आएगी, तो सिलेक्ट सम, कौन सी फील्ड में आपको सम करवाना है, तो प्रोडक्ट प्राइस, तो उस कॉलम का नाम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है कि एज कुछ भी दे, नहीं दोगे तो एज इट इज जो यहाँ पे आपने लिखा है वही नाम यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ सम फ्रॉम जो भी टेबल में से आपको चाहिए उस टेबल का नाम। जैसे आप एंटर दोगे तो इन तीनों का सम हो जाएगा 20, 34, 21। तीन दिनों का सम होने के बाद ये सम नाम की कॉलम हो जाएगी। ठीक है, इस कॉलम के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इन तीनों का एडिशन। ठीक है, देखो इस तरीके से पता चला, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सम करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सम नाम की जो भी कीवर्ड था उसका भी आपको यूज करना हो, कैसे यूज करते हो वो भी पता चल गया। उसके बाद एवरेज है, क्या है यहाँ, उसके बाद एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का किस तरीके से यूज कर सकते हो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे काउंट ने काउंट का किया, जैसे सम का किया, वैसे ही हम यहाँ पे एवरेज का भी कर सकते। तो सिलेक्ट, तो एवरेज कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, जो भी आपका नंबर होगा उसी के अंदर से मिलेगा ना, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट सेल प्राइस और प्रोडक्ट आईडी, इन तीनों के बीच में मिल सकता है। पर ये जो नाम है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो भी डेटा है वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की एवरेज नहीं मिल सकती, वैसे ही सम और काउंट के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोडक्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस है वो, उसकी एवरेज क्या बैठ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एज एवरेज, यहाँ पे मैं अपने तरीके से कुछ भी नाम दे सकता हूँ। फिर फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे एंटर दूंगा तो देखो एवरेज हमें क्या मिल रही है कि 25,000 की एवरेज मिल रही है, तीनों प्रोडक्ट का सम होने के बाद उसको डिवाइड करना, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट अपने आप ही कर लेता है एवरेज कीवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट के अंदर जो भी डेटा है उसकी एवरेज भी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक तो ऑर्डर बाय देखा, एलाइसिस देखा एज, फिर काउंट, फिर सम, फिर एवरेज। ठीक है, उसके बाद मुझे डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि मुझे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। अगर मेरे पास अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड पड़े होंगे तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड मुझे मुझे सिर्फ कितनी प्रोडक्ट मेरे पास है, मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास अगर यहाँ पे एम आई है और एलईडी दो बार है, ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम के बेस पे मुझे कितनी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, एक्चुअली कितनी बार बेच रहा हूँ नहीं, कितनी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ टोटल, तो वो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग सही होना चाहिए, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपको देना है फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे आप एंटर दोगे। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डिस्टिंक्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एस करना भूल गया था। देखो यहाँ पे आपके पास कितनी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे बता देगा, डुप्लीकेट होगा तो ऑटोमेटिकली निकाल देगा। ठीक है, अब आपको उसकी प्राइस भी देखनी है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा, उसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट की प्राइस भी बाजू में वो बता देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट
प्राइस के अंदर भी आपके पास जो भी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड होंगे वो चाहिए, तो डिस्टिंक्ट कोई एक फील्ड के साथ ही पर्टिकुलर वर्क होता है, एक के साथ दो आपको फील्ड चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी वो चेक करता है कि जो भी आपकी फील्ड है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो इसके अंदर तो डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक की प्राइस अगर डिस्टिंक्ट मिल रही है तो ही वो रिकॉर्ड देगा, वरना देगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है इसके अंदर डिस्टिंग में, ऑलवेज आपको याद रखना है कि ऑलवेज एक फील्ड के साथ ही वो यूज होती है, दो या तीन फील्ड के साथ एक साथ कभी भी यूज नहीं होगी। तो डिस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि वो आपको सिंगल रिकॉर्ड देगा, मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपका जो भी होगा उसको वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टिंग कीवर्ड की मदद से आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि किस तरीके के रिकॉर्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैक्स और मिन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है मेरे टेबल के अंदर, कौन से प्रोडक्ट की प्राइस मैक्सिमम है, तो वो भी मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखना है मैक्स, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि प्रोडक्ट प्राइस, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ही आपकी प्राइस सारी लिखी हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस और फ्रॉम करके यहाँ पे आपको लिखना है टेबल का नाम, जैसे आप एंटर दोगे तो जिसकी भी प्रोडक्ट की प्राइस मैक्सिमम होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे, 34,000 पे किसकी है वो जानना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा करने के बाद प्रोडक्ट नेम, कॉमा करने के बाद उस दूसरी कॉलम का नाम, तो एलईडी जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम प्राइस है 34,000, ठीक है। उसके बाद मिनिमम चाहिए तो सिलेक्ट मीन, ठीक है, यहाँ पे मीन भी कर सकते हो, फिर प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की नेम, प्रोडक्ट का नाम भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोडक्ट, जैसे एंटर दोगे तो यहाँ पे आपको सबसे कम प्राइस किसकी है वो भी एलईडी है, मतलब आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक एलईडी है जो 34,000 की है और दूसरी प्रोडक्ट है एलईडी है वो 20,000 की है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, बार बार मुझे एक ही रिकॉर्ड दे रहा है, एक से ज्यादा नहीं दे रहा है, तो मुझे मैक्स कीवर्ड का यूज करना तो पता चल गया। अभी अगर आपको कभी भी एक ही रिकॉर्ड चाहिए तो आपको मिक्स मैक्स या मिन नाम की कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या चाहिए कि आपको ये चाहिए कि भाई इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट प्राइस है तो उसमें अंदर 21,000 से 20,000 से ज्यादा कितनी प्रोडक्ट है, मतलब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी प्राइस 20,000 से ज्यादा है, तो वो सारा रिकॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वेयर टैग का, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं वापस आपको टेबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको बार बार ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा टेबल, अब मुझे इस प्रोडक्ट प्राइस के अंदर मुझे ये देखना है कि 21,000 से ज्यादा, मतलब 20,000 से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट होगी वो मुझे मिलनी चाहिए 21,000 से ज्यादा, तो मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे वेयर टैग, मतलब किसी भी चीज को आपको फाइंड करवाना है कि भाई यहाँ से नहीं यहाँ तक चाहिए या फिर यहाँ तक चाहिए, तो वेयर टैग वेयर क्लोज का यूज आपको वेयर टैग का यूज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन सी फील्ड के अंदर आपको फाइंड करवाना है, तो प्रोडक्ट प्राइस के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, वेयर टैग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप यूज करते कर सकते हो, जैसे इफ कंडीशन के अंदर करते हो लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर या इक्वल टू, ठीक है, तो उसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि 20,000 से ज्यादा, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा तो प्रोडक्ट प्राइस के अंदर वो ढूंढेगा 20,000 से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट होगी, मतलब ये दोनों है ना एलईडी और दूसरे एलईडी, तो दोनों एलईडी का डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस क्या है कि 20,000 से जो जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको मिनिमम रिकॉर्ड चाहिए, ठीक, या फिर 20,000 वाला रिकॉर्ड भी चाहिए तो यहाँ पे आप इक्वल टू भी कर सकते हो, तो 20,000 वाले रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिनिमम चाहिए, मतलब 20,000 से 21,000 से जो भी प्रोडक्ट कम हो, ठीक है, उसकी जो भी 20,000 से कम प्राइस वाले जो भी प्रोडक्ट होंगे वो मुझे मिलने चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर मुझे लेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, 20,000 या 20,000 से कम जो भी प्राइस होगी जो भी प्रोडक्ट होगी वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसे मैं एंटर दूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे डेटा फेच करवा के दे रहा हूँ, हमारे पास वैसी एक ही प्रोडक्ट, ठीक
है। तो इस तरीके से मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे फेच करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको क्वेरी बता दी है। ठीक है, तो इन सारी क्वेरी का आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, आपको अगर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो तो जो भी आपके पास क्वेरी लिखी हुई है उसको नोट डाउन आप कर सकते हो और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, उस क्वेरी को नीचे लिख भी सकते हो, उस टेबल भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो अपनी तरीके। तो नोट बना के रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है सारी। जो भी आपका लॉजिक लगाते हो तो लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटाबेस आपको वही क्वेरी एक लाइन के अंदर आपको दे रहा है कि जो भी डेटा आपको चाहिए हजारों रिकॉर्ड में से तो इजीली आपको फेच करवा के वो दे देगा, ताकि आपको वहाँ पे कुछ भी अलग से लॉजिक लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी सारी जो भी आज हमने पढ़ी। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है और ज़्यादा आपको क्वेरी के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैं आपको एक टूल्स बता रहा हूँ जिसके अंदर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सारी क्वेरी के बारे में और भी अच्छे से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको एक क्रोम ओपन करके दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर बता रहा हूँ कि आपको अलग से कोई क्वेरी चाहिए या फिर अलग से कोई क्वेरी है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे, यह गूगल क्रोम है, उसके अंदर आपको जाना है कि W3 School के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पीछे लिखना है SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ये सारी क्वेरी आपको दी हुई है, सिलेक्ट डिस्टिंग वेयर एंड ऑन, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट एवरेज सम, लाइक वाली तो हमने लास्ट में करी गई थी। ठीक है, फिर एलाइसिस, तो उसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरी है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आपको एक अलग से बहुत सारे डेटाबेस दिए हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखे यहाँ पे देखो, सी ट्राई करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर, तो देखो यहाँ पे आपको साइड में, ये आपको नहीं दिखेगा, ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कस्टमर्स, तो ये कस्टमर के अंदर 91 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए जस्ट दिया हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉलम का नाम क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, तो ये सारे रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने डाल के ऑलरेडी दे ही दिए प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद है कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी दी है, उसके अंदर 3 फील्ड है, कैटेगरी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद है एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर 10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड आपको दिए हुए, तो यहाँ पे आपको उस क्वेरी को अप्लाई करवाना है। ठीक है, जैसे ही आप लिखते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूंगा, यहाँ यहाँ पे जो भी लिखा हो उसके हिसाब से। ठीक है, और जैसे मैं सेमी कॉलन करने के बाद रन एसक्यूएल करूंगा तो जो भी रिकॉर्ड प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। देखो तो यहाँ से आप अपनी क्वेरी लगा सकते हो, ठीक है, ऐड करवा सकते हो। यहाँ पे आप चाहिए जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी है, तो मैंने आपको अभी बोला कि सम करवाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम, और यहाँ पे आपको उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा, कैपिटल होगा तो कैपिटल, स्मॉल होगा तो स्मॉल। ठीक है, उसको कोई दूसरा नाम देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि टोटल। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेरी को फायर करूंगा तो देखो उन सब का सम होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उस कॉलम का नाम हमने क्या रखा था, एलआईसी के फॉर्म में टोटल, और यहाँ पे उसकी प्राइस भी हमें गिन के देगी। ठीक है, तो ये सारे टेबल्स है, टेबल्स के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड आपको दिए हुए, आपको जस्ट उसकी प्रैक्टिस करनी है भाई किस तरीके से उसको यूज किया, तो ये आगे आपको बहुत ही काम आएगा। किसी भी तरीके की डेवलपमेंट के अंदर आप जा रहे हो तो क्वेरी क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेरी आपको यहाँ पे बहुत सारी तरीके की दी है, आगे हम और भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो CMD की जगह आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस, तो ये बहुत ही अच्छा टूल आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ से कोई टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो आप अपने CMD के अंदर भी डेटा प्रैक्टिस के लिए इंसर्ट करवा सकते हो। जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको लॉन्ग टाइम पे याद रहेगा। ठीक है, अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करके छोड़ दी फिर आपको वो लॉन्ग टाइम पे याद रहने वाला नहीं है। ठीक
ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो, समथिंग 30-40 बार जब वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगा किस तरीके से उसकी फील्ड होती है, वैल्यूज होती है, उसके अंदर प्रोडक्ट को किस तरीके से सर्च किया जाता है, फाइंड किस तरीके से किया जाता है, मैक्सिमम किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो जो भी हमने क्वेरी पढ़ी, इसके बाद भी बहुत सारी क्वेरी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे तो आपको एक रूटीन बन जाएगा, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, इस तरीके से ही डेटा को किसी भी क्वेरी के अंदर कोई भी क्वेरी लगानी हो तो इस तरीके से मुझे लगानी होती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का फॉर्म है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है इसके अंदर, ठीक है। तो टूल भी मैंने आपको बता दिया, सीएमडी के अंदर किस तरीके से क्वेरी को फायर किया जाता है, रन किया जाता है, क्वेरी फायर की जाती है, फाइंड की जाती है, रन की जाती है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको टूल बता दिया, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। आपको डेटा इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट करवाते रहो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी क्वेरी और भी आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।